हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा पहचान बता चुका हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया। अगर आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखें, आप हमें लिंक मिल जाएगा आपको, और ये आप लोग अच्छी तरह से देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम जानते हैं टू काइंड्स होते हैं, यस या नो वाले और रिप्लाई वाले। यस या नो स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच, जो भी डब्ल्यू एच ए टी, डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच ई एन, डब्ल्यू एच ई आर ई, एच ओ डब्ल्यू, जो भी कुछ है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो इस टाइप से हमारे पास में इज, एम, आर है। और उसके बाद में सब्जेक्ट, जो आई यू वी ए बी सी, किसी का नेम। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना। ठीक है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डायरेक्टली आईएनजी नहीं लगता है, कुछ रूल भी होते हैं कि किस तरह से क्या हटाया जाएगा, कैसे आईएनजी लगेगा, ये सिस्टम अलग है। या तो देखें कि कुछ सेंटेंस आपके सामने हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या तुम खाना खा रहे हो? तो जैसे हमेशा की तरह बताता हूं, जब भी आपको हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो आप उस सेंटेंस को पढ़ें और सेंटेंस के लास्ट में जाएं। देखिए यहाँ लास्ट में, यहां से देखिए हमें सिंबल साइन मिल चुका किसका, इंट्रोगेटिव का। इसका मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा। जब हम यहां गए तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट है आता है तो प्रेजेंट, अगर रहा रही है तो कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब इस सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है डब्ल्यू एच वर्ड से भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है। तो अगर सेंटेंस के आगे हमें देखा, हमें मिला लिखा हुआ क्या, जब कभी सेंटेंस के आगे आगे क्या लिखा मिल जाए, इसका मतलब सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, ये ध्यान रहे। अगर यही क्या बीच में आ जाए तो फिर इसकी इंग्लिश होती है डब्ल्यू एच ए टी। ये मैं आपको बार बार बता दूं, ऐसी गलती हो जाती है। देखिए अब यहां जैसे हमारे ये पहचान ली हमने कि प्रेजेंट टेंस है, कंटीन्यूअस भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम देखें सबसे पहले हम यहां देखेंगे लगाना, हमारे पास है तुम और लगाना है में हेल्पिंग वर्ब, और तुम को बोलते हैं इंग्लिश में यू, और यू के साथ कहता है आर। तो देखें फर्स्ट पार्ट हमारा आर, उसके बाद में सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ई ए टी, डायरेक्टली आईएनजी लगाइएगा। ईटिंग, आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, खाना फूड, आर यू ईटिंग फूड, और इंट्रोगेटिव का सिंबल। क्या हुआ है, सच बता रही है, यहां पर भी ऐसा ही होगा, इज सी टेलिंग, बता रही है द ट्रुथ, सच बता रही है। अब यहां जाने तुम क्या कह रहे हो, अब क्या बीच में आ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले इंग्लिश डब्ल्यू एच वर्ड की होगी, तो ये हो गया डब्ल्यू एच व्हाट। उसके बाद में कौन आना है, हेल्पिंग वर्ड, और हमारे पास कौन सा है, यू साथ में आर, व्हाट आर यू, और आई जी फॉर व्हाट आर यू से, वे क्या ढूंढ रहे हैं, यहां पर भी ऐसा ही होगा, वॉच आर दे, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। यहां पर आप सर्चिंग भी लगा सकते हैं, एस ई ए आर सी एच आई एन जी, सर्चिंग। अब तुम्हें अब कैसा लग रहा है, कैसा कैसा कैसी या कैसे, हाउ हाउ आर यू फीलिंग, फीलर लगना, फीलिंग लग रहा है, नाउ अब कैसा लग रहा है, तुम्हारे पिताजी कहां जा रहे हैं, कहां, वेयर इज योर फादर गोइंग, कहां जा रहे हैं, हम चिंता क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई आर वी वरी, वरी हम चिंता करना एज वरी, वह इतनी उदास क्यों दिख रही है, दिखना है लुक, देखिए Why, क्यों, is she, look का बन गया looking, दिख रही है, so sad, इतनी उदास, अगर only sad होता उदास दिख तो क्या करते, sad, इतनी उदास क्या लगा, so sad। नाइन्थ नंबर देखें, तुम किससे बात कर रहे हो, या किससे की इंग्लिश तीन तरह से हो सकती है, आपको मैं बता रहा हूं। देखें यहां से स्टार्ट देखें, who are you talking to, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हु आगे लिखे और फिर यहां पर टू लिखे, या फिर यहां से स्टार्ट करें टू हुम आर यू टॉकिंग, या फिर विद हुम आर यू टॉकिंग, तो तीन तरह से आप बोल सकते हैं। टेंथ नंबर देखिए, तुम किसे बता रहे हो, तो बता बात कर रहे हो, मैं बता रहे हो किसे, यहां पर यही होगा हु आर यू टेलिंग,
तुम किसे बता रहे हो। 11th नंबर देखिए, तुम कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, यानी कोई इंसान गाड़ी खरीदता है, गाड़ी के सामने खड़ा है, तो वे कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, तो विच कार या आर यू परचेजिंग। देखिए परचेजर खरीदना होता है, यहां लास्ट में ई था, ई को हमने रिमूव करके हटा दिया, उसकी जगह आई जी लगा दिया। वह किस डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर को दिखाने जा रही है, तो विच डॉक्टर इज सी गोइंग टू। देखिए टू का मतलब तरफ, किसी की तरफ जा रहा है, तो डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या लगाए, टू लगाए। कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, कितने लोग आ रहे हैं। तुम यह किस लिए कर रहे हो, किस लिए, यहां पर हम चाहे तो स्टार्ट वाइस भी कर सकते हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं, किस लिए, व्हाट यहां लगाए और फोर लास्ट में लगाए, ध्यान दे विषय, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट फॉर, शॉर्ट कट भी कह सकते हैं, व्हाट फॉर, किस लिए कर रहे हो, इस बार किसी भी कह सकते हैं। वे इस बारे में बात कर रहे, किसका पहले से ये देखे, यहां पर भी था, तो ये व्हाट और उसके बाद के बारे में, मतलब अबाउट, व्हाट आर दे टॉकिंग, यानी बात कर रहे अबाउट किस बारे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डब्ल्यू एच वर्ड से भी और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, याद रखें नेगेटिव मतलब नोट आता है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सब इस चीज को कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनता है किस तरह से बनता है। यहां डब्ल्यू एच वर्ड है, यहां पर डब्ल्यू एच, उसके बाद किसकी जगह है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर भी कौन है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद भी कौन आ रहा है, सब्जेक्ट, यहां पर भी कौन आ रहा है, सब्जेक्ट। देखिए अब यहां पर नंबर आया किसका, नोट का, अब नोट यहां है, ठीक है, उसके बाद में कोई चेंज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या तुम नहीं जा रहे हो, यहां था क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, अगर क्या तुम नहीं जा रहे हो, देखिए आर यू नॉट, ये डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया हमने, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में कौन, सब्जेक्ट, उसके बाद में कौन, नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते तो नॉट की जगह थर्ड नंबर, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड हो तो नॉट की जगह फोर्थ नंबर, ये फिक्स लगभग घटे इसके अंदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। लेकिन अगर हम चाहें इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए, कि आरंट यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग को हम कह सकते हैं, आरंट यू गोइंग, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा था, आरंट यू गोइंग, इस प्रकार से बोलना, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट में व्हाई आरंट यू, जिसे मैंने कहा आर नॉट को आप शॉर्टकट में आरंट की बजाय आंट बोलिए, आंट, Why aren't you eating food? तू खाना क्यों नहीं खा रहे हो? यहां आप सब जगह नहीं लगा के देखें और अपने सेंटेंस खुद बना सके आप लोग, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू।